हाय, दिस इज रनऑफ और एक नया वीडियो में आज उड़ीसा का फेमस डिश पखाल। आज है पखाल दिवस, श्री प्रभु जगन्नाथ भी आज पखाल खाएंगे, लंच करेंगे, तो हम भी क्यों ना खाएं। चलिए हमारे घर पे पखाल के साथ और क्या क्या है देखते हैं और खाते हैं। हैप्पी पखाल दिवस सबको। उड़िया लोग तो सब जानते होंगे पखाल कैसे बना जाता है और कैसा लगता है, वो हमको मालूम है। उड़ीसा बाहर के लोग कभी पखाल टेस्ट करना मटन भूल जाओगे, ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं। और फिर कभी पखाल कैसे बनाया जाता है वो वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। आज सिर्फ पखाल में क्या क्या है, चलिए टेस्ट करते हैं। और जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से थैंक यू, और जो लोग नहीं किए हैं चलिए सब्सक्राइब कीजिए, पैसा नहीं पड़ता एक बटन दबाने के लिए। ये रहा पखाल, पखाल कैसे बनाते हैं मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आज है पखाल दिवस, पखाल के साथ है ओल को भी भरता मिक्सचर, कुंदरी आलू भजा, बैंगन आलू भरता, साग, ये आंबदा, और ये मेरा प्यारा सा पखाल। बात आप पखाल को मच्छी भाजी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन आज मंडे है तो भेज में ही काम चलाना पड़ा। थोड़ा सा दही, आमदा, नमक, धनिया पत्ता, नींबू, कांचा लंका, हरी मिर्च इसको बोलते हैं, कि बढ़िया से मिलाना और उसके बाद पूरा दबा के खाना। और कई तरीके का पखाल बनते हैं, लोग उसे छोंक भी मारते हैं तेल के सहायता से। अगर आपके पास पीतल कांसा है तो पखाल पीतल कांसे में ही खाना, टेस्ट और बढ़ जाता है। हैप्पी पखाल दिवस, उड़िया में आके आज पर्व है, काफी अच्छा टेस्ट था, मटन भूल जाओगे बार बार बोलता हूँ। ये डिश का नाम है दही पखाल। ये रहा पखाल की पानी, हम उड़िया में उसको तोरानी बोलते हैं। ये पीने से अगर आप 10 दिन के प्यासा हो गए तो सब बुझ जाएगा, इतना टेस्ट बना के उड़िया लोग तो सब खा रहे होंगे। उड़िया का बाहर का लोग खा रहे होंगे, एक बार खाना मटन भूल जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।